नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार। सरकार की मंशा है कि इस लॉकडाउन के समय में कोई भी गरीब भूखा पेट ना सोने पाए। उचित सरकारी दर की दुकान से राशन कार्ड पर सस्ते दर पर राशन दिया जाए, जिसको लेकर सबकी नज़र की टीम उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के ग्राम सभा भसोट में लाभार्थियों का हालचाल जानने पहुंची तो कुछ लोगों ने बताया कि राशन मिलता तो है लेकिन दाम ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद हमारी टीम राशन बांट रहे कोटेदार के यहाँ पहुँची। मौके पर तमाम लाभार्थियों ने कहा कि राशन समय पर और सही रेट पर मिलता है। आज हमारी टीम पहुंची है मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सभा भसोट में, जहां पर जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश सिंह खेत खलिहान हर जगह दौड़ करके और आदेश दिया है गरीबों को किसी भी सूरत में सोने नहीं दिया जाएगा, गरीब खाली पेट नहीं सोने पाएंगे। उन्होंने कहा कि कोटेदार किसी भी कीमत पर घटतौली न करें और न मूल्य से ज़्यादा पैसा लें। आइए इसी सिलसिले में एक लाभार्थी ग्राम सभा भसोट के हैं, उनसे बात करते हैं। राशन कार्ड बना है? हाँ बना। कितने यूनिट है आपका? दो यूनिट। तो 10 किलो मिलता है आपको? हाँ 10 किलो मिलता। कितना पैसा लेते हैं आपसे? 30 रुपये। क्यों 30 रुपये लेते हैं? आपका तो 26 रुपये बनता है। 30 रुपये ले। कोटेदार आपको राशन देते हैं कि नहीं देते? हैं देते हैं। कितना यूनिट आपका है? हमारे कहा 6 यूनिट सर। 6 यूनिट। तो आपका पात्र गृहस्थी है गरीबी रेखा? गरीबी रेखा। हाँ। कितना राशन आपको मिलता है? हमको राशन मिलता है साहब 35 किलो में 4 किलो गेहूं का राशन। कितना मिलता है आपको? वैसे आप 30 किलो मिलता है। 30 किलो जो है इसमें लोगों की 28 किलो मिलता है। 2 किलो कम हो जाता है। 2 किलो राशन कार्ड बना है? हाँ। कितने संख्या है, यूनिट कितना है? 6 यूनिट। हाँ। तो कितना आपको मिलता है राशन? 35 किलो। राशन कार्ड बना है? हाँ। कौन सा है कार्ड? लाल वाला। हाँ। कितने यूनिट का है? हाँ? यूनिट कितना है उसमें? 35 किलो राशन मिलता है। कितने आदमी है उसमें? हाँ, हम 4 लोग। तो 4 में कैसे 35 किलो मिलता है? गरीबी रेखा के नीचे है, लाल वाला। लाल वाला है। कितना पैसा लेते हैं? 85 रुपये। 85 रुपये तो आपसे बहुत सही लेते हैं। राशन कार्ड बना है? राशन कार्ड बना है। कितने यूनिट है आपका? हमारा तो 30 यूनिट है। ये कार्ड और बना है, मिलाकर 10 यूनिट है। तो गरीबी रेखा वाला? नहीं, बात नहीं होती। कितना मिलता है राशन? 50 किलो। 50 किलो। क्या रेट से देते हैं पैसा आप? कितना लेते हैं? 150 रुपये लेते हैं। 50 किलो। 50 किलो। सुनील कुमार जी, आप भी भसोट के ही हैं जी? राशन कार्ड बना है? हाँ। कौन सा राशन कार्ड है आपका? पात्र ये है। पात्र गृहस्थी का कितनी यूनिट है? हमारे में 6 यूनिट। 6 यूनिट है। तो राशन कितना मिलता है आपको? 30 किलो। 30 किलो। कितना पैसा देते हैं? 90 रुपये। यादव जी, आपका राशन कार्ड बना है? हाँ सर, बना। पात्र गृहस्थी का गरीबी रेखा? पात्र। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट। कितना मिलता है राशन? 20 किलो रहता है, 1 किलो कम रहता है। 19 किलो। घटतौली? हाँ। इस समय हमारी टीम खड़ी है भसोट में। हमने जगह जगह गरीबों से जो राशन कार्ड बने हैं, जिसका चाहे वो पात्र गृहस्थी का हो चाहे वो गरीबी रेखा के नीचे का हो, सबसे लगभग काफी लोगों से हमने बात किया। भसोट जयप्रकाश के पास आया, आइए बात करते हैं जयप्रकाश जी से। प्रधान कार्रवाई की कई बार की है लेकिन कोटेदार ये कहते हैं कि आपसे मतलब नहीं है, मैं जो बांट रहा हूँ हमारा उसी दर्दी है, जो कुछ होगा मैं। ये ग्राम प्रधान होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप SDM या सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाएं या जिलाधिकारी महोदय को फोन करें। हाँ। फिर आप क्यों नहीं करते हैं? सर, मैं एक बार कार्रवाई किया था लेकिन वो कार्रवाई मतलब जाकर अपना सलटा लिए घुस पटाई देकर। अब कैसे किए ये मैं नहीं जानता हूँ। फिर दोबारा मतलब कार्रवाई करने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। लॉकडाउन में प्रधान जी, जहाँ गरीबों के सामने आर्थिक संकट पैदा होता जा रहा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं, सरकार की मंशा है कि गरीब कोई भूखा पेट ना सोने पाए। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के जब सबकी नहर की टीम कोटेदार के साथ कार्य कर रहे हौसला प्रसाद के पास पहुंची तो हौसला प्रसाद ने बताया कि कुछ लोग हैं जो ग्राम प्रधान के कहने पर मुझे बदनाम करने के लिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि ना तो मैं मूल्य से ज़्यादा पैसा लेता हूं और ना ही घटतौली होती है। हौसला प्रसाद ने कहा कि ग्राम प्रधान के माध्यम से जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड बना हुआ है, जो राशन लेने के बाद बनिया के हाथ में बेचते हैं, तो बनिया घटतौली करता है और बदनाम मुझे करते हैं। जबकि सबकी नहर की टीम जब आज 15 तारीख को 15 अप्रैल को कोटेदार द्वारा निःशुल्क में चावल वितरण कर रहे
लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा कि घटतौली नहीं होती है और न ही मूल्य से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। क्या कहा लोगों ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सर्वेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। सरकार के आदेशानुसार 15 से 25 तारीख 26 तारीख तक निःशुल्क गरीबों में राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। इसी की कड़ी में आज हमारी टीम मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के ग्राम भसोट में कोटेदार के यहाँ आई हुई है। देखिए किस तरीके से कोटेदार द्वारा लोगों को राशन दिया जा रहा है, निःशुल्क में राशन दिया जा रहा है। लेकिन खास बात तो यह है कि 9 बज गए हैं, 8:30 बजे से हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन 9 बज गए हैं अभी तक लेखपाल जो पर्यवेक्षक अधिकारी बनाए गए हैं यहाँ पर, अभी लेखपाल की मौजूदगी यहाँ पर नहीं हुई है। इस संबंध में सबकिरण ने जब जिला पूर्त अधिकारी को जौनपुर से बात किया तो उन्होंने सप्लाई इंस्पेक्टर मनोज पांडे को कहा बात करने के लिए। मनोज पांडे से भी हमारी टीम ने बात किया तो मनोज पांडे ने कहा कि अभी मैं लेखपाल से बात करके बताता हूँ, लेकिन 9 बज गए हैं अभी तक लेखपाल का कोई जता पता यहाँ पर नहीं चला। क्या नाम है आपका? हरशंकर यादव। हरशंकर यादव जी, कितना राशन मिला? 20 किलो। कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। 4 यूनिट। कोटेदार द्वारा ये बताइए, क्या आप लोगों से ज्यादा पैसा लिया जाता है क्या? क्या नाम है आपका? प्रमोद जी, राशन मिला आपको? 5 यूनिट है, कितना मिला आपको? 5 यूनिट मिला। कितना मिला आपको, कितना किलो आपने? 25 किलो। 25 किलो। पैसा तो नहीं लिए है? नहीं। आपका राशन कार्ड बना है? हाँ। अभी राशन भी मिला? हाँ। राशन कार्ड में कितने आदमी का नाम है? 5 जने की बात है। 5 आदमी 25 किलो मिलना चाहिए। हाँ। कितना मिला आपको? 25 किलो हमें मिला है, 5 किलो हमारे जेठानी के। वो कोटेदार अपनी तरफ से दे रहे हैं? हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा काम कर रहे थे भाई। हम सब जब आए तब आते बेचारे जल्दी चलिए। ज्यादा पैसा तो नहीं लेते ना, आपसे? ना। अभी किसी ने कहा कि जो है वजन कम कर देते हैं? नहीं भैया, ये सब हमारे सब के संग। कभी कभी आपको वजन कम मिला? नहीं कब। क्या नाम है आपका? नरेंद्र तिवारी। तिवारी जी भसोट के हैं जी। कोटेदार क्या नाम है? साहू राम। ये बताइए आपका राशन कार्ड बना है? कितने यूनिट है आपको? 3। 3। कितना मिलता है आपको? 15 किलो। 15 किलो। इसमें गेहूं कितना लेते हैं, चावल कितना लेते हैं? अब जानकारी नहीं है? नहीं तो नहीं, दोनों मिला के लेते हैं। जो सूचना मिल रही है, सात किलो आज हमारी टीम पूरे आपके ग्राम सभा भसोट में भ्रमण किया और उसमें लोगों ने बताया कि घटतौली हो जाती है और मूल्य से अधिक पैसा लेते हैं। क्या आपने सुना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है हमारे लिए। ज़्यादा पैसा लेते हैं ये भी नहीं सुना आपने ना? आपका कपिल गौड़। कपिल गौड़ जी, राशन कार्ड में कितने आदमी का नाम है? 5। 5। कितना भी फ्री वाला मिला आपको? 25। क्या मिला आपको? चावल। सही मिला 25 किलो जी। वजन कोई कमी तो नहीं है? कोई कमी नहीं है। इसके पहले राशन लेने आते थे आप जी? क्या आपसे पैसा ज्यादा लेते थे? नहीं, जितना पैसा लगता था उतना पैसा लेते थे। ज्यादा नहीं लेते थे? कभी नहीं लिए। घटतौली तो नहीं थी? नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं 25 किलो में 2 किलो कम था? कभी कम नहीं होता था, जितना राशन लेते उतना ही मिलता। क्या नाम है आपका? आशीष पासी। राशन कार्ड बना आपका? यस। अभी राशन मिला है? यस। कितना यूनिट है आपका? 5। 5। कितना मिला? 25। पैसा लिया है क्या? नहीं, अरे वो तो फ्री में बांट लिए। इसके पहले आप राशन लेने आते थे, पैसा आपसे ज़्यादा लेते थे क्या? नहीं, जितना लेते उतना ही लेते हैं। वजन में कोई कमी? नहीं, कोई शिकायत नहीं है? आपसे कभी ज़्यादा पैसा नहीं लिया? नहीं, कभी नहीं। इस समय हमारी टीम पहुंची है भसोट में, जो मुगराबाद शाहपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जिलाधिकारी जौनपुर का सख्त आदेश है, इस लॉकडाउन की घड़ी में कोई भी गरीब भूखा पेट नहीं सोने पाएगा, और कोटेदारों को सख्त हिदायत दी गई है कोई घटतौली न करे और मूल्य से ज़्यादा पैसा न ले। यहाँ पर ग्रामीणों ने बताया, जो लाभार्थी हैं, कुछ लाभार्थियों ने बताया कि कोटेदार द्वारा घटतौली की जाती है और मूल्य से अधिक पैसा भी लिया जाता है, जिसको लेकर के हमारी टीम कोटेदार के पास पहुँची। कोटेदार हालांकि मौजूद नहीं थे, अभी किसी कार्यवश कहीं अभी गए हैं, लेकिन उनके भतीजे हौसला जी मेरे पास खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हौसला जी, ये जो लोगों ने आरोप लगाया है कि घटतौली होती है और मूल्य से अधिक पैसा, जैसे 30 किलो अगर दे रहे हैं तो आप 90 रुपए लेते हैं? नहीं, घटतौली नहीं होती है, घटतौली सही दिया जाता है। जो बेचते हैं बनिया को दे देते हैं, वो बनिया लोग कम कर देते हैं। हम तो घटतौली की अब वो करते हैं, हमारे कांटा से तौलिए, 10-5 आदमी आ रहे हैं, फिर दूसरे कांटा से नहीं तौलिए और घटतौली होते तो हमारे से, हमारी चाहे जो शिकायत करिए, चाहे जो सजा दीजिए, ग्रामवासी हो चाहे, मतलब आपके हिसाब से घटतौली नहीं है, लोग ले जाकर जब बनिया को देते हैं तो बनिया लोग वहाँ घटतौली बता देते हैं। अभी 2 बनिया का हमने जब तुरंत गए बनिया, तो बनिया जब बनिया को बेचते हैं तो क्या यहाँ से राशन ले जाकर के और बनिया खास से बेचते हैं क्या? कम से कम 80% लोग बेचते हैं।
बेचते हैं। हाँ। और जहाँ पर मूल्य से अधिक पैसे लेने की बात आ रही है उसमें सहमत कहाँ तक है? बिल्कुल मूल्य से अधिक पैसा नहीं लिया जाता। कितने किलो, कितने प्रति किलो आप गेहूँ देते हैं? 2 रुपए किलो गेहूँ देते हैं, 3 रुपए किलो चावल देते हैं। तो 18 दूनी 36 72 रुपए होता है। 90 रुपए क्यों लेते हैं? 90 रुपए नहीं लेते हैं, ये तो कहने की बात है। लोग कहते हैं, अब चाहे मेरे एंट्री हो लेकिन कहने की बात है, अगर 90 रुपए लेते हैं तो मेरा वीडियो करने चाहे जो कुछ करने, मैं 90 रुपए नहीं लेता। जैसा कि हौसला प्रसाद जी ने बताया कि जो लाभार्थी हैं कुछ एंटी टाइप के हैं, मतलब इनके विरोधी लोग हैं। हाँ। जो ग्राम प्रधान के इशारे पर बोलते हैं, कार्य करते हैं। इन्होंने ये भी बताया हौसला प्रसाद जी ने कि जो राशन ले जाते हैं कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जो यहाँ से ले जाएंगे और तत्काल उसको बनिया के हाथ में, व्यापारी के हाथ में उसको बेच देते हैं। इनका ये भी कहना है कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि मूल्य से अधिक पैसा लिया जाता है वो सरासर गलत है। अधिकारी आकर मौके पर बैठ जाए, उनके सामने मैं राशन का वितरण करूंगा। अगर कोई शिकायत मिलती है तो मेरे खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई होती है वो किया जाए। 10 किलो मिला है? 10 किलो। आपने देखा है वजन? हाँ, देखा। इसके पहले कोटेदार आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेते थे? हाँ। वजन कोई कमी तो नहीं थी? 8:30 बजे से भसोट कोटेदार के यहाँ हमारी टीम मौजूद है। हमारी टीम आज 7:30 बजे से पल पल की तमाम कोटेदारों की खबर को सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। पुलिस इंस्पेक्टर मनोज पांडे को फोन करके अवगत करा कि आपके लेखपाल जो पर्यवेक्षक के रूप में यहां पर नियुक्त किए गए हैं वो अभी तक नहीं आए हैं। 8:30 बजे से मैं फोन लगातार कर रहा हूं, फिर 9:45 बजे फोन किया, 9 बजे फोन किया, इसके बाद 9:25 पे पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में लेखपाल यहाँ पर मौजूद हुए हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि आपको लेट आने में क्या परेशानी हुई, क्या समस्या हुई कि आप मौके पर नहीं पहुंच पाए, आपकी बिना मौजूदगी में कोटेदार यहाँ पर वितरण शुरू कर दिए। लेखपाल साहब, सर जो 8 बजे हमने निकले वहाँ से रास्ते में, क्या आपको SDM साहब ने कहीं और लगा दिया था या क्या परेशानी थी जो आप समय पर नहीं आ पाए? जैसे एक दो लोग लेखपाल साथ में थे, रहते हैं तुमको छोड़ने में साथ में रहते हैं तो दो तीन के यहाँ होते हुए तब आना पड़ता है। जी, आपने देखा किस तरीके से एक सक्षम अधिकारी के रूप में जिसको सरकार नियुक्त किया है कि एक लेखपाल को सक्षम पर्यवेक्षक अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया है कि आपकी मौजूदगी में कोटेदार राशन का वितरण करेंगे, बिना आपकी मौजूदगी में कोई भी कोटेदार राशन का वितरण नहीं करेगा। सुबह से ही क्षेत्र की जनता लाइन में लगी है, अपने राशन का इंतजार कर रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को ना समझते हुए लेखपाल 9:25 पे आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं किसी लेखपाल के साथ में था इसलिए आने में समय हो गया है। अब देखना आया है कि जौनपुर के जिला अधिकारी या जिला पूर्त अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, भसोट मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर।